ముడిచమురు దిగుమతుల తగ్గింపు కాలుష్య నియంత్రణే లక్ష్యంగా త్వరలో ఫ్లెక్స్ ఇంజిన్ విధానం అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్ర రవాణా జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు దీనివల్ల ప్రజలపై పెట్రోల్ ధరల భారం తగ్గడంతో పాటు రైతులకు లాభదాయకంగా ఉంటుందన్నారు వచ్చే మూడేళ్లలో దేశంలోని అన్ని జాతీయ రహదారులను అమెరికా స్థాయిలో తీర్చిదిద్దనున్నట్లు పేర్కొన్న కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో మా ఇటీవీ భారత్ ప్రతినిధి ముఖాముఖి बीते कुछ सालों में हमारे देश का ऑटोमोबाइल क्षेत्र काफी विकसित हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले पंद्रह सालों में वह व्यवसाय जो है पंद्रह लाख करोड़ को भी पार कर जाएगा इसके साथ ही देश में फ्लेक्स इंजन की भी चर्चा जोरों से शुरू है इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सर फ्लेक्स इंजन क्या है देखिए पूरे वर्ल्ड में हर कंपनी पेट्रोल इंजन की गाड़ियां बनाती है जो मार्केट में उपलब्ध है ब्राजील कनाडा और अमेरिका में ऐसी सुविधा है कि आप पेट्रोल पंप पे जाने के बाद कंज्यूमर के साथ ये चॉइस है कि वो 100 परसेंट पेट्रोल डाले या 100 परसेंट बायो इथेनॉल डाले तो बायो इथेनलॉ भी ये फ्यूल है पेट्रोल भी है हमारे देश में पेट्रोल का भाव अब सौ के ऊपर एक सौ तक गया है और इथेनॉल का भाव पैंसठ रुपए है इथेनॉल किसान तैयार करते है जो शुगर केन जूस मोलाइसिस से राइस से मक्के से और बायोमास से बनता है हम लोग आज 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट कर रहे क्रोड और आने वाले पांच साल के बाद हमको 25 लाख करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निश्चित रूप से हम इंपोर्ट को कम करना आवश्यक है और यही सब पैसा अगर किसानों के जेब में जाता है तो बहुत फायदा होगा और पेट्रोल से कई गुना ज्यादा इथेनॉल अच्छा फ्यूल है और इसलिए ये फ्लेक्स इंजन जिसमें चॉइस होगा कि 100 परसेंट पेट्रोल और इथेनॉल तो हमारी स्कूटर हमारी ऑटो रिक्शा हमारी कार जो जो पेट्रोल इंजन है वो फ्लेक्स इंजन में आएगा उसकी कीमत वर्ल्ड में उतनी है केवल एक फिल्टर लगता है और जो आ, मेटल के वॉशर्स होते हैं उसके बजाय रबर के लगते हैं तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है अब हिंदुस्तान में बहुत से कंपनियों ने हासिल किया है टोटो ने यूरो सिक्स इमिशन नाम में फ्लेक्स इंजन की टेक्नोलॉजी लगभग पूरी कर ली है और वो जल्दी ही अपने व्हीकल को लॉन्च करने के लिए तैयार है देश में पेट्रोल का जो आज ज़्यादा रेट है उसके बजाय इथेनॉल पैंसठ रुपये होगा तो कम से कम पच्चीस रुपये लीटर लोगों का फायदा भी होगा देश का प्रदूषण भी कम होगा और इथेनॉल के कारण किसानों को भी दो पैसे मिलेंगे तो ये आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अभी कुछ गाड़ियाँ जो नंबर प्लेट होगा वो भारत के साथ होगा भारत बी के साथ होगा तो ये क्या पुरानी गाड़ियों में भी लागू होगा जो पुरानी गाड़ियाँ है जो ये इसके बारे में हमने निर्णय भी किया है पर ये सब्जेक्ट जो होता है ये कॉन्करेंट लिस्ट में है मैंने इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और भारत सरकार को भी है तो हमने अपनी नीति बनाकर राज्यों को भेजी है और हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से ये पूरी योजना क्रियान्वित हो पर अल्टीमेटली इसका अधिकार राज्य सरकार का भी है उनको अपना निर्णय करना पड़ेगा इथेनॉल के जो क्षेत्र है आप उसमें काफी काम कर रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल की जगह इथेनॉल ले लेगा हंड्रेड परसेंट लेगा पहले इथेनॉल केवल मोलाइसियस से बनता था शुगर फैक्ट्री में फिर शुगर क्यूच जूस से बनने लगा तो राइस से इथेनॉल बनेगा कॉर्न से इथेनॉल बनेगा फूड ग्रेन से इथेनॉल बनेगा और इसके बाद जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ऑर्गेनिक उससे भी बन सकता है और जो बायोमास है जो परली के रूप में जलाते हैं परली कॉटन स्ट्रॉ बीट स्ट्रॉ राइस स्ट्रॉ इससे भी बनेगा तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हमारे देश में इथेनॉल और बढ़ेगा तो इथेनॉल बनने से देश की इकोनॉमी मजबूत होगी प्रदूषण कम होगा इम्पोर्ट हमारा कम होगा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा ये जो पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण भी होता है अगर उससे ईंधन बनता है तो कितना फायदा होगा पांच टन परली से एक टन बायो सी निकलता है अब बायो सी के बजाय बायो एल क्योंकि वो लिक्विफाई है ट्रांसपोर्ट करने के लिए आसान है इथेनॉल की बात तो मैं 2009 से कर रहा हूँ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर ये मेरे लाइफ का मिशन है और प्रदूषण जल प्रदूषण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इसमें बहुत समस्या है और मैं अब इससे लड़ना चाहता हूँ नागपुर को सभी प्रदूषण से मुक्त करना और यही शुरुआत बाकी शहरों में भी होगी और निश्चित रूप से इसमें देश में जो हमारी विशेष रूप से पोल्यूशन की समस्या है उसको हम जरूर निपटा सकेंगे नि... देखिए मैं इस विषय के लिए समर्पित हूँ कि अभी मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ब्राज़ील के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री थे अब ब्राज़ील के हवाई जहाज एयरफोर्स के पचास टक्के इथेनॉल मिश्रित करके चल रहे हैं तो मैं अभी एयरफोर्स के साथ भी मीटिंग करने वाला हूँ राजनाथ जी के साथ डिफेंस मिनिस्टर के साथ और मैं उनको रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में और एविएशन में ये जितने प्लेन है अभी इंडिगो के एयर इंडिया के स्पाइस जेट के ये सब गो एयरवेज के ये भी अब फिफ्टी परसेंट इथेनॉल को यूज करें ये प्रयास मैं कर रहा हूँ मैं ये मानता हूँ कि आगे का भविष्य प्रदूषण की दृष्टि से है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस नेटवर्क का जो हाईवे है वो वर्ल्ड क्लास होते जा रहे हैं मुंबई दिल्ली के हाईवे की बात हो रही है अभी जो बहुत ही सुंदर तरह से बन रहा है ऐसे कितने हाईवे और देश को मिलेंगे देखो ऐसे 26 ग्रीन हाईवे हम बना रहे हैं कि आने वाले तीन साल के बाद अमेरिका के रोड जितने अच्छे होंगे जिस स्टैंडर्ड के होंगे उसी स्टैंडर्ड के हिंदुस्तान में बिहार उत्तर प्रदेश से लेकर अरुणाचल मेघालय त्रिपुरा तक पूरे देश के रोड वैसे ही होंगे कश्मीर तक यही मेरा प्रयास है और मैं इसके हमारे इंजीनियर्स हमारे डिपार्टमेंट रात दिन काम कर रहा है और निश्चित रूप से हम इसमें यशस्वी होंगे सर जैसे हमारा ऑटोमोबाइल क्षेत्र है काफी विकसित हुआ है आपने कहा था कि वो पंद्रह लाख करोड़ का वो व्यापार होगा उसका टर्न होगा लेकिन फोर्ड जैसी कंपनियाँ कुछ बाहर जा रही है ये विपरीत परिणाम बाहर नहीं जा रहे उनने अपना यूनिट बंद किया देखो इसमें कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन में जो प्रोडक्ट अच्छा है वो लोग खरीदते हैं फोर्ड की भी अच्छी गाड़ियाँ थी पर मार्केट कॉम्पिटिशन में उन्होंने निर्णय किया पर अब वॉल्यूम कम नहीं हुआ है साढ़े सात लाख करोड़ से हम पंद्रह लाख करोड़ जाएंगे आपको पता होगा कि हमारी टू व्हीलर की जो इंडस्ट्री है बजाज टीवीएस और हीरो फिफ्टी परसेंट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान ये मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू एमडब्ल्यू टोयाटो होंडा हुंडाई टाटा महिंद्रा अब ये सब गाड़ियों का वर्ल्ड का नंबर एक का मैन्युफैक्चरिंग हम हिंदुस्तान बनेगा और यहाँ से वर्ल्ड में गाड़ियाँ जाएगी और निश्चित रूप से ये पंद्रह लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेगी मैं आज ही बता रहा हूँ कि हमारी ऑटोबोबल इंडस्ट्री जो साढ़े सात लाख करोड़ की है देश में सबसे ज़्यादा जॉब नौकरियाँ देने वाली ये इंडस्ट्री है देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है